नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है ईस्ट कोस्ट रेलवेज की तरफ से। अभी से बस कुछ ही मिनटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसीज निकाली गई हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टेक्नीशियन 3, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। ये वैकेंसीज सभी में अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर के सम अप करके हम वैकेंसीज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 310 वैकेंसीज बनती हैं। और हालांकि इसकी नोटिफिकेशन के अंदर पूरी डिटेल दी गई है, देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 12 वैकेंसीज निकाली गई हैं, टेक्नीशियन 3 के लिए 65, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 48, गुड गार्ड्स के लिए 93, इसके अलावा जेई सिविल के लिए 63, जेई मैकेनिकल के लिए 13, इलेक्ट्रिकल के लिए 11 और जेई SNT के लिए 5 वैकेंसीज निकाली गई। तो कुल मिलाकर के सभी वैकेंसीज का सम अप कर दिया जाए तो 310 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जहां तक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात है दोस्तों, ठीक ठाक वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप आवेदन इसके लिए जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, एक अच्छा मौका है सभी के लिए कि वो इसके लिए आवेदन करें। अभी हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पर रेलवेज़ में रिक्रूटमेंट निकली है, उसके बाद भी ये वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो इसके लिए ज़रूर आप आवेदन करें। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी दी जा रही है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 की वैकेंसी रखी गई है। इसके अलावा टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए 19,900 का पे स्केल रखा गया है। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सैलरी होती है ये बेसिक सैलरीज़ होती है, और इसके अंदर ये मेन सैलरी नहीं है, इनहेंस मिलने वाली सैलरी नहीं है। इसमें अभी काफ़ी सारे पर्क्स जो होते हैं वो एड ऑन होते हैं, जिनको मिला देने के बाद जो सैलरी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके अलावा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700 की सैलरी रखी गई है, गुड्स गार्ड के लिए 29,200 की सैलरी रखी गई है, और जूनियर इंजीनियर की जितनी भी वैकेंसीज हैं इनके लिए 35,400 का पे स्केल रखा गया है। अभी इसमें HRA इंक्लूड नहीं है, जो कि अकेला 40% होता है। तो सैलरी तो दोस्तों बहुत अच्छी जाने वाली है, सैलरी की तरफ से आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और 310 में से 158 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनरिजर्व वैकेंसीज़ हैं, और बाकी सभी जो है वो रिजर्व वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन के आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी सेक्शन दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आप 12वीं पास है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपको अगर आपको टाइपिंग की अच्छी स्पीड है आपकी, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ अगर आपके पास NTC, NAC या NCVT का सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, जिस भी कंसर्न्ड फील्ड से आप आवेदन कर रहे हैं उस फील्ड का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना सोचे आप आवेदन कर दें, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है, एक काफ़ी अच्छा करियर बनता है अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो। इसके अलावा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मिनिमम 50% मार्क्स इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। हालांकि एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्राइटेरिया 50% मार्क्स का, ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं होता है। गुड्स गार्ड के लिए अगर आपके पास डिग्री है जस्ट, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इसमें डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, अगर आपने BSc की हुई है 3 साल की कंसर्न्ड फील्ड से, तो भी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात हुई दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर ये आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। एज लिमिट का भी यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 42 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, हालांकि जो SC ST कैंडिडेट्स या OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 साल और 47 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है दोस्तों, तो एक और बड़ा रीज़न आ जाता है कि आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। और ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 14 अप्रैल 2019 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल खुल चुके हैं, आवेदन स्टार्ट हो चुका है, rrcbbs.org.in पर जाकर के आप फ़ौरन इसके लिए आवेदन कर दें। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, और कुछ केसेस में, ये सभी केसेस में नहीं होगा, कुछ केसेस में स्किल टेस्ट भी होगा। और जो रिटर्न टेस्ट है, एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको, जो रिटर्न टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 1/3 रखी गई है, तो ये काफ़ी एक नई चीज़ है, काफ़ी बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है, जनरली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक।
दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।